मैं बड़ी विनम्रता के साथ माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और विभिन्न जो चैनल्स इसमें लगी हुई थी उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि मैं अब राज्यसभा नहीं जाना चाहूँगा। उसका कारण ये है कि लाखों करोड़ों, करीब करीब 12 करोड़ का एक आती परिवार है और ये हमसे जुड़ा है भावनात्मक आधार पर, और ये परिवार की जो टेंडेंसी होती है, परिवार का जो स्वरूप होता है उसके अंदर पारिवारिकता का जो माहौल होता है उसमें राजनीति जो है उसमें जाने के बाद बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप ये कहेंगे कि राजनीति में तो जा नहीं रहे थे आप, तो वहाँ केवल नामांकित मेंबर थे। मैं वो काम नहीं कर पाता जो मैं वैसे काम कर सकता हूँ, बाहर रहकर मैं जितना प्रभावित कर सकता हूँ मैं जरूरत से ज़्यादा प्रभावित कर सकता हूँ राजनीति को और आम जनता को भी प्रभावित कर सकता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। उसको मानते हुए मैंने अंतरात्मा की आवाज़ सुन के निर्णय लिया है कि मैं अपने आप को राज्यसभा की उस दौड़ से दूर मानता हूँ और मैं अपने आप को अलग करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे जनता का समर्थन मिलेगा और जनता, जितनी भी हमारे भावनाशील जनता है, वो ये मानेगी कि निर्णय वैचारिकता से भरा हुआ है, भावना से भरा हुआ है। मैंने इसके पहले अपने गायत्री परिवार की जो कार्यकारिणी है, शांति कुंज का जो कार्यकारिणी बोर्ड है, उससे भी विचार विमर्श किया, उन्होंने मेरे इस निर्णय को सराहा और उसके बाद फिर हम लोगों ने तय किया कि मुझे ये निर्णय वापस लेना चाहिए। मैं क्षमा मांगता हूँ कि राष्ट्र की सेवा केवल राज्यसभा में बैठकर नहीं हो सकती, राष्ट्र की सेवा इससे अलग भी ढंग से हो सकती है जो हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो निर्मल गंगा अभियान हो, चाहे वो वृक्ष गंगा अभियान हो, और चाहे वो लोगों के दिमागों को साफ करने का अभियान, विचार क्रांति अभियान हो। ये सारा काम हम करते रहेंगे और तेजी से करते रहेंगे और हम और उछलकर और ऊपर आएंगे और आप देखेंगे आने वाले समय में देखते देखते परिवर्तन नजर आने लगेगा।